गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आरसीए एजुकेट केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास। तो बच्चों, लास्ट टाइम पे हम जो पार्ट पढ़ रहे हैं, यहाँ पर चैप्टर नंबर 10 है, हेलो एल्केन व हेलो एरिन, और यहाँ पर पार्ट ए की बात कर रहे हैं, हेलो एल्केन की बात कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, हेलो एल्केन का हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है, ठीक है, उसका नोमेनक्लेचर पढ़ लिया है, उसके नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड क्या होता है, उसके प्रिपरेशन के मेथड क्या होते हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है, और आज हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी की बच्चों। किसकी बात करेंगे? केमिकल प्रॉपर्टी की। आपको साथ के साथ में पढ़ते रहना है बच्चों, सारी की सारी रिएक्शन जो मैंने पढ़ाई हैं वो सभी अच्छी रिएक्शंस हैं, एग्जाम के व्यू से और एग्जाम में पूछे जा चुके हैं इससे पहले, ठीक है। और सभी रिएक्शंस की मैंने ट्रिक बताई है, आप पढ़ते रहिए, याद करते रहिए साथ के साथ में। जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे, जितना ज़्यादा याद करोगे आप इनको, उतना ज़्यादा याद होंगे, वरना फिर आप बोलोगे और नहीं केमिस्ट्री सर हार्ड है, और नहीं केमिस्ट्री याद नहीं होती हमें ना। तो जितना ज़्यादा रिएक्शन को आप रिमेंबर करोगे, जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे बच्चों, उतनी आपको ज़्यादा याद होंगी। और ट्रिक का विशेषकर ध्यान रखें, ट्रिक वाइज याद करने की कोशिश करें, ठीक है। आज हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी, किसकी बात करेंगे? केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे बच्चों। यहाँ पर देखते हैं बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होगा, यहाँ पर जो हेलो एल्केन जो होती है बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टी बोले केमिकल रिएक्शंस, तो यहाँ पर ये हमारे पास में हम तीन टाइप की रिएक्शंस की बात कर सकते हैं। हमारे पास में जो फर्स्ट जो होगी उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूएशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूएशन रिएक्शन। दूसरी हमारे पास में होगी एलिमिनेशन, कौन सी होगी? एलिमिनेशन। और बच्चों थर्ड जो हमारे पास में यहां पर होगी वो हम बोल सकते हैं कि रिएक्शन विद मैटर। जो रिएक्शन हमें पढ़ेंगे तो वो हमारे पास में कौन कौन सी हो जाएंगी? रिएक्शन विद मैटर, मेटल्स, ठीक है। ये पार्ट ए इसका खत्म हो जाएगा, ये तीनों पॉइंट जैसे हमारे पास में कंप्लीट होंगे, पार्ट ए क्या हो जाएगा बच्चों? कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम पार्ट बी की बात करेंगे, उसके बाद में हमारे पास में बच जाएंगे पॉली हैलोजन डेरिवेटिव, उसकी हम पार्ट सी में बात करेंगे। तो आज हम बात करते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूएशन रिएक्शन की बात करें। किसकी बात करते हैं बच्चों? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूएशन रिएक्शन। देखो यहां पर मैं इसको शॉर्ट कट में बोल रहा हूं एस एन रिएक्शन। क्या बोलूंगा? एस एन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूएशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूएशन रिएक्शन क्या होती है बच्चों? सीधा सीधा सा पता चल रहा है कि यहाँ पर हमारे पास जो हेलो एल्केन जो होती है आरएक्स, और आरएक्स जो होता है, आरएक्स जो होता है ये बिकम पोलर नेचर का होता है बच्चों। और अगर पोलर नेचर का है तो ड्यू टू पोलर नेचर यहाँ पर आपके पास में कार्बन जो होगा उस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा, और हैलोजन पर पार्शियली कैसा में चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज, क्योंकि पोलर नेचर का है। और हमने बोला था इसकी ईएन होती है 2.5 से ज़्यादा, इसकी ईएन होती है 2.5, लगभग 2.5। हम ये बोल सकते हैं कि हैलोजन एटम जो होगा उसकी ईएन से ज़्यादा होगी, ठीक है। अब इसकी ईएन ज़्यादा है तो ये आपके पास में ये बॉन्ड जो होगा पोलर नेचर का हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे इसके पास में, तो ये पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव। अब ड्यू टू पोलर नेचर हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक, तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल जो होगा बच्चों वो अटैक करेगा, और न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा वो किस पर? देखो यहाँ पर हमारे पास में आरएक्स दिया हुआ है, ठीक है। इस पर चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। इस पर चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। अब आपके पास में यहाँ पर जो अटैक करेगा वो करेगा न्यूक्लियोफाइल एनयू, हम माइनस चार्ज ले लेते हैं। अब देखो न्यूक्लियोफाइल जो होता है ये इलेक्ट्रॉन, मतलब कि आपके पास में, अब देखो इसके पास में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, ये इलेक्ट्रॉन आपके पास में, और ये इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप है, और ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है बच्चों। इस पर चार्ज नेगेटिव, इस पर नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव के बीच में तो रिपल्सन होगा, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये यहाँ पर ये जो कार्बन कैटायन से अटैक करता है बच्चों, और जैसे ये इस पर अटैक करेगा तो यहाँ से हैलाइड आयन जो है ये कहाँ चला जाएगा? बाहर चला जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो आपके पास में जो रिएक्शन बनी हुई बनेगी आर एन यू माइनस प्लस में एक्स माइनस, ये हो जाएगा हैलाइड आयन, और ये आपके पास में प्रोडक्ट बनेगा जो भी बनेगा। इफ अगर आपके पास में अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्गर देन है, आपके पास इफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल इज स्ट्रॉन्गर देन द हैलाइड आयन इजिली रिप्लेस, कि अगर आपके पास में न्यूक्लियोफाइल जो है बच्चा स्ट्रॉन्ग है तो ये आसानी से अटैक करेगा, अगर आसानी से अटैक करेगा तो यहाँ से हैलाइड आयन जो होगा आसानी से क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा, बाहर चला जाएगा।
अब यहाँ पर ये जो स्टेप होंगे, यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं बच्चों, न्यूक्लियोफाइल दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो नेगेटिव चार्ज वाले, एक न्यूट्रल वाले। एक कौन कौन से होते हैं हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल जो होंगे, ये दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो Nu- हम बोल सकते हैं, एक तो नेगेटिव चार्ज वाले और एक होंगे बच्चों न्यूट्रल उदासीन। नेगेटिव चार्ज आप सीधे देख सकते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज, जैसे OH- है, जैसे OCWR- इस प्रकार से दिया हो आपके पास, जो भी नेगेटिव चार्ज वाले हैं सी डब्लो माइनस दे देगा, आर ओ माइनस दे देगा, सी डब्लो माइनस आर ओ माइनस ई टी से एक्स। अब जो न्यूट्रल जो होते हैं, जैसे हमने बोला H2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, NH3 ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं बच्चों। न्यूक्लियोफाइल जो होगा अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर डोनेट करेंगे कार्बन। अब यहाँ पर आपके पास में कि जो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो बच्चों, ये दो टाइप की हो, कितने टाइप की होती है, दो टाइप की, ये इंपॉर्टेंट है, समझे बात को, कि हमारे पास में ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन है ये कितने टाइप की होती है बच्चों, दो टाइप की होती है। एक तो होती है SN1, एक तो क्या होती है हमारे पास में SN1, और एक कौन सी होती है SN2। बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्टार लगा लेना इसके ऊपर, ये टेबल आपको याद ही करनी है, 2018-2019 में सवाल पूछ चुका है यहाँ से, और दो नंबर का सवाल पूछता है कि बताओ SN1 SN2 में कोई भी 3 डिफरेंस पूछ सकता है, 4 डिफरेंस पूछ सकता है बच्चों आपसे, 3 या 4। तो इस टेबल को आपको अच्छे तरीके से याद करने, बहुत ही सिंपल है, चलो याद कराने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये टेबल बना, ठीक है, और यहां पर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, क्या क्या प्रॉपर्टीज, ठीक है, बात करते हैं। देखिएगा सबसे पहले आपके पास में SN1 और SN2 का जो फुल नेम जो होगा, पूरा जो नाम होगा बच्चों, वो होगा यूनि, देखो एक दिया हुआ है तो एक को बोलेंगे यूनि, तो इसका नाम हो जाएगा यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अगर हमारे पास में दो दिया तो क्या बोलेंगे, बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पहला पॉइंट ये हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या हो जाएगा, बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनि मतलब एक, बाई मतलब दो, ठीक है। सेकंड यहाँ पर हम पॉइंट की बात करेंगे बच्चों, यहाँ पर बात हो जाएगी ऑर्डर की, किसकी बात हो जाएगी, ऑर्डर की बात हो जाएगी, और बच्चों ऑर्डर का मतलब होगा एन, हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ चुके हैं ऑर्डर। ऑर्डर यहाँ पर देखो एक दी हुई है, देखो यहाँ पर एक है तो ऑर्डर कितनी हो जाएगी एक, और यहाँ पर ऑर्डर कितनी हो जाएगी दो, तो आप सीधा बोल सकते हो सर इसकी ऑर्डर कितनी होगी 1, और इसकी ऑर्डर कितनी होगी हमारे पास में 2, इसकी 1 इसकी कितनी होगी 2। सर कैसे, तो हमने पढ़ा था यहाँ पर काइनेटिक्स के बारे में, अगर केमिकल काइनेटिक्स की बात करें तो रिएक्शन की जो रेट होगी आर, रिएक्शन की रेट जो होगी वो ओनली एल्किल हैलाइड की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करती है, हम बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड ओनली एल्किल हैलाइड कंसेंट्रेशन। तो यहाँ पर जो आर जो होगी बच्चों ये ओनली आपके पास में डिपेंड करेगी एल्किल हैलाइड Rx की पावर 1 पे, Rx की पावर 1 पे डिपेंड करेगी। अब बताओ हमने बोला था कि यहाँ पर K A की पावर अल्फा B की पावर बीटा, तो यहाँ पर अल्फा कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, तो रेट कितनी हो जाएगी, यहाँ पर ऑर्डर कितनी हो जाएगी 1, और यहाँ पर कितनी हो जाएगी 2। अब ये ट्यू क्यों हो रही है आपके पास में, क्योंकि हम बोल रहे थे कि Rx ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव, और यहाँ पर कौन अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, और क्या बनेगा Rnu- + X- ये आयन बने, मतलब कि आपके पास में जो SN1 रिएक्शन होगी उस रिएक्शन की जो रेट है सिर्फ और सिर्फ एल्काइल हैलाइड की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करेगी, लेकिन यहाँ पर जो रिएक्शन की जो रेट होगी एल्किल हैलाइड के साथ साथ न्यूक्लियोफाइल की जो कंसेंट्रेशन होगी उस पर डिपेंड करेगी। तो हम बोलेंगे रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड बोथ एल्किल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफिलिक कंसेंट्रेशन। तो यहाँ पर आर जो होगी वो क्या होगी के Rx की पावर 1 और Nu- की पावर 1।
इस पर डिपेंड करेगी, ये इसकी हो जाएगी काइनेटिक्स कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड ओनली एल्किल हैलाइड कंसेंट्रेशन, बट द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड बोथ एल्किल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल कंसेंट्रेशन। तो एक रे कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी। ये तो बात होगी इसकी, हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। किसकी बात करते हैं? मैकेनिज्म की, क्रियाविधि कैसे बनेगा। देखो ये रिएक्शन यहाँ पर दी गई है आपके पास, क्या दी हुई है यहाँ पर, एक ये रिएक्शन दी गई है, ठीक है। अब ये तो रिएक्शन जो होगी आपके पास में ये कितनी स्टेप में कंप्लीट होगी, और ये रिएक्शन जो होगी कितनी स्टेप में कंप्लीट होगी, बच्चों देखते हैं। यहाँ से आपको ये बोला गया है कि CH3 यहाँ से आपको बोला गया बच्चों CL और बोल देगा CH3, ये दिया हुआ आपको है ना, ये आपको दिया हुआ है बच्चों, ये वाला ग्रुप आपको दिया गया है और यहाँ पर आपको न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा रहा है किसका, जैसे मान लो इसकी बात करते हैं तो ये आपके पास जो स्टेप होगी स्लो स्टेप होगी। कैसी स्टेप होगी? स्लो स्टेप, स्टेप फर्स्ट। यहाँ पर आपके पास में क्या बनेगा, ये हैलाइड आयन जो है, ये हैलाइड जो है यहाँ से अलग हो जाएगा और ये बनेगा CH3 और ये पॉजिटिव, और यहाँ पर कौन आ जाएगा Cl-। तो बच्चों यहाँ पर जो इंटरमीडिएट जो है ये कौन है, इंटरमीडिएट ये कौन बन रहा है, कार्बन कैटायन। इंटरमीडिएट जो बन रहा है कार्बन कैटायन बन रहा है। अब यहां पर किसका अटैक होगा, अब यहां पर हम लेके आ रहे हैं एक्वस मीडियम या फिर बोले एल्कोहलिक KOH। किसी बात करें एल्कोहलिक KOH मतलब बेस लेके आ रहे हैं, क्या लेके आ रहे हैं बच्चों, बेस लेके आ रहे हैं। अब KOH में K तो होता है प्लस का, OH होता है माइनस का, अब इस पर माइनस चार्ज जो होगा वो तो होगा न्यूक्लियोफाइल, तो ये Cl- ये तो चले जाएंगे बाहर और न्यूक्लियोफाइल इसके साथ में अटैच हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर जो आपके पास में बनेगी वो क्या बनेगा, वो बनेगा ये इस प्रकार से कि यहाँ पर तो आएगा OH और यहाँ पर क्या जाएगा KCl। तो बच्चों आपके पास में ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अब यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा बच्चों वो आपके पास यहाँ से भी अटैक कर सकता है और इधर से भी अटैक कर सकता है, बोथ साइड फ्रंट से भी और बैक से भी। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जो होगा आगे से भी अटैक करेगा और पीछे से भी अटैक करेगा। बट इसमें चलते हैं इसके मैकेनिज्म हम देखते हैं बच्चों। जैसे कि यहाँ पर जो होगी हमने ले लिया RX, क्या ले लिया RX, इसको मैं बना लेता हूँ इस प्रकार से कि हमने ले लिया यहाँ पर CH3, क्या ले लिया बच्चों CH3 और यहाँ पर हमने क्या ले लिया X, ठीक है, ये इसकी रिएक्शन कर रहा हूँ, इसकी मैकेनिज्म जो है, और यहाँ पर किसका अटैक हो रहा है न्यूक्लियोफाइल का। तो देखिएगा बच्चों ये तो स्टेप फर्स्ट थी और ये स्टेप कैसे हो जाएगी आपके पास में सेकंड, इसको बोलेंगे फास्ट स्टेप। तो ये जो रिएक्शन आपके पास में है ये टू स्टेप में कंप्लीट होती है, कितनी स्टेप में, टू स्टेप, कंप्लीट इन टू स्टेप, और ये वन स्टेप में सिंगल स्टेप में कंप्लीट होगी। इसके मैकेनिज्म देखते हैं, ये हो जाएगा, अब देखते हैं यहाँ पर ये कार्बन है, ठीक है, और यहाँ पर ये कौन आ गया हाइड्रोजन, और ये कौन है हाइड्रोजन, ये कौन है हाइड्रोजन, और इधर कौन दिया आपके पास में एक्स, एक्स का मतलब आप यहाँ पर Cl मान लो, कौन दिया गया Cl दिया हुआ। अब जो ये न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा बच्चों ये फ्रंट से अटैक नहीं करेगा, कहाँ से अटैक करेगा, बैक से अटैक करेगा, पीछे से अटैक करेगा, इधर से, मतलब कि ये जो न्यूक्लियोफाइल आपके पास में यहाँ जाकर ऐड हो जाएगा, कहाँ ऐड हो जाएगा, यहाँ, ये लो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक। तो बच्चों यहाँ पर इस स्टेट को बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट, इंटरमीडिएट जो यहाँ पर बनेगा वो बनेगी ट्रांजिशन स्टेट। तो यहाँ पर जो आपके पास में बन रहा है वो क्या बन रहा है, ट्रांजिशन स्टेट, और ट्रांजिशन स्टेट जो होती है बच्चों वो होती है अनस्टेबल, कैसे होती है अनस्टेबल, कैसे होती है अनस्टेबल होती है। तो यहाँ से जो ओवरऑल जो प्रोडक्ट है वो ये आपके पास में स्टेप फर्स्ट में कंप्लीट हो रहा है, ये स्टेप फर्स्ट है बच्चों। यहाँ से तो आपके पास में आगे चलकर जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर इधर ले रहे हैं इसको नीचे एक साइड में वो बन जाएगा, यहाँ पर पीछे एक साइड में हो जाएगा Nu-CH3 और यहाँ से हैलाइड आयन कहाँ चला जाएगा आपके पास में बाहर चला जाएगा, हैलाइड आयन कहाँ चला जाएगा बच्चों आपके पास में बाहर चला जाएगा। हम सीधे बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है इट मीन्स इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पर हम KOH ले रहे हैं तो KCl तो चला जाएगा इसके साथ में, और OH- कहाँ अटैक कर लेगा, पीछे से अटैक कर लेगा, मतलब ये पीछे से अटैक कर रहा है। तो ये जो होगी ये सिंगल स्टेप में कंप्लीट होगी और ये डबल स्टेप में कंप्लीट होगी बच्चों, ठीक है। अब आगे चलते हैं, SN1 था SN2 था,
मैकेनिज्म हो गए बच्चों। अब बात करेंगे इंटरमीडिएट की, किसकी बात करेंगे, इंटरमीडिएट की। यहाँ पर इंटरमीडिएट क्या बनेगा, यहाँ तो बनेगा बच्चों कार्बन कैटायन, क्या बनेगा कार्बन कैटायन, अभी अभी आपने देखा। और यहाँ पर क्या बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट। ये कितनी स्टेप में कंप्लीट होती है, इट कंप्लीट इन टू स्टेप। ये कितनी स्टेप में कंप्लीट होगी, टू स्टेप में। और ये कितने में कंप्लीट हो गया आपके पास में, वन स्टेप। ठीक है, यहां पर तो आपके पास में आएगा, हम बोल सकते हैं नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, कि यहां पर आपके पास में जो न्यूक्लियोफाइल होगा हम बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग हो, यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो यहां पर या तो बोल सकते हैं नोट रिक्वायरमेंट है, फिर क्या बोलेंगे वीक, और यहां पर कैसा होगा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास में आ रहा है वो ये आ रहा है कि क्या यहां पर रीअरेंजमेंट होगा, क्या रीअरेंजमेंट, तो यहां पर तो रीअरेंजमेंट होगा, पॉसिबल है मतलब कि, लेकिन यहां पर पॉसिबल नहीं है। वाई, क्योंकि सर यहां पर क्या बन रहा है, कार्बन कैटायन, जहां भी बच्चों कार्बन कैटायन बनता है वहां पर रीअरेंजमेंट हो सकता है, क्योंकि कार्बन कैटायन जो होगा 1 डिग्री बन सकता है, 2 डिग्री बन सकता है, और 3 डिग्री बन सकता है, तो रीअरेंजमेंट हो सकता है। लेकिन यहां पर भी कार्बन कैटायन बन ही नहीं रहा, यहां पर ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, तो यहां पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है बच्चों। ठीक है, फोर पॉइंट की अगर हम यहां पर बात करें कि रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड, आरएक्स की रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी ऑफ आरएक्स, तो यहाँ पर जो RX की जो रिएक्टिविटी होगी वो होगी 3 डिग्री, RX सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री बच्चों, और यहाँ पर उल्टा हो जाएगा 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड उससे कम, और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की सबसे कम रिएक्टिविटी। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास में आ रहा है बच्चों, वो पॉइंट हमारे पास में आ रहा है कि यहाँ पर जो आइसोमर बनेंगे, स्टीरियो आइसोमर की बात कर रहे हैं, यहां पर जो आप स्टीरियो केमिस्ट्री बात करें, स्टीरियो केमिस्ट्री मतलब ये होगा कि यहां पर जो आपके पास में प्रोडक्ट बनेगा वो एक्टिव तो होगा, स्टीरियो आपके पास में एक्टिव तो होगा, ये भी एक्टिव होगा, लेकिन यहां पर जो आपके पास में स्टीरियो आइसोमर जो होते हैं चेंज इनटू रिसीविंग मिक्सर, हम बोलेंगे एक्टिव स्टीरियो, एक्टिव आइसोमर चेंज इनटू रेसेमिक मिक्सर, रेसेमिक मिक्सर, कि यहां पर आपके पास में 50% तो बच्चों डी बनेगा, 50% डी बनेगा, 50% क्या बनेगा एल बनेगा, तो यहां पर जो ग्राफ होगा वो कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। ये बात आपके पास ये रेसेमिक मिक्सर बन रहा है, क्या बन रहा है आपके पास में, रेसेमिक मिक्सर बन रहा है। और यहां पर जो इसकी रिएक्टिविटी होगी, रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें, तो ये जो बच्चों रिएक्टिविटी होगी ये डायरेक्टली हो जाएगी आपके पास में कार्बन कैटायन की स्टेबिलिटी, कार्बन कैटायन की स्टेबिलिटी हो जाएगी। और यहाँ पर अगर बच्चों हम बात करें कि स्टीरियो आइसोमर जो होंगे, यहाँ पर जो वन स्टीरियो आइसोमर चेंज इनटू अदर स्टीरियो आइसोमर, हम क्या बोलेंगे, वन स्टीरियो आइसोमर चेंज इनटू अदर स्टीरियो आइसोमर, अदर स्टीरियो आइसोमर्स। इट मीन्स अगर आपके पास में यहाँ पर दो टाइप के बनेंगे, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं आपके पास में मान लो पहले दूसरा इन्वर्जन बन रहा था, है ना, तो यहाँ पर वेल्डन बन जाएगा, अगर वेल्डन बन रहा है तो इन्वर्जन बन जाएगा, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं इन्वर्जन बन गए मान लो, तो ये यहाँ पर ग्राफ बनेगा कुछ इस प्रकार, यहाँ पर ग्राफ क्या बनेगा कुछ इस प्रकार। ठीक है, और यहाँ पर जो रिएक्टिविटी होगी वो स्टेरिक हिंड्रेंस की क्या होगी बच्चों, इन्वर्सली होगी, क्या होगी इन्वर्सली हो जाएगी आपके पास। तो हम बात करते हैं SN1 SN2 की बच्चों, SN1 और SN2 में हमने क्या पढ़ा, SN1 को बोलेंगे यूनिमोलिकुलर, इसको बोलेंगे बाई मोलिकुलर, ये होगी फर्स्ट ऑर्डर, ये होगी सेकेंड ऑर्डर। यहाँ पर रिएक्शन की जो रेट होगी वो कंसेंट एल्किल हैलाइड की कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करेगी, यहाँ पर एल्किल हैलाइड एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड करेगी। यहाँ पर जो आपके पास में जो रिएक्शन जो होगी उसको दो स्टेप में कंप्लीट होगी, ये सिंगल स्टेप में कंप्लीट होगी। यहाँ पर जो इंटरमीडिएट होगा कार्बन कैटायन बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा ट्रांजिशन स्टेट बनेगी बच्चों। ठीक है, यहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, यहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, यहाँ
पर न्यूक्लियोफाइल जो होगा वीक होगा, यहाँ पर कैसा होगा स्ट्रॉन्ग होगा बच्चों। अब रिएक्टिविटी की बात करें 3 डिग्री एम के अलावा 2 डिग्री 1 डिग्री, यहाँ पर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होगा बच्चों। यहाँ पर बनेगा रेसिनी मिक्सर, यहाँ पर क्या बनेगा इन्वर्जन बनेगा बच्चों आपके पास में। ठीक है बच्चों, तो ये 7-8 पॉइंट है, इनमें से आप कोई भी एक दो याद कर सकते हैं। ठीक है, बाकी बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।